पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। कुछ टीचर से मिलकर एप्लीकेशन डाली क्योंकि सैलरी बढ़नी चाहिए। क्या मैम, अचानक एप्लीकेशन दी है, उन्होंने कल 5 बजे तक आपको टाइम दिया है इस पर मैडम से मिलकर फैसला करने का, या सैलरी हाइक या स्ट्राइक। कल स्कूल में इंस्पेक्शन है और आज टीचर्स ने बम फोड़ा। नहीं नहीं, स्कूल के इंस्पेक्शन के समय अगर ये सैलरी बढ़ाने वाली बात बाहर आ गई तो स्कूल का नाम दांव पर लग जाएगा। एक ही दिन में दो चीजें कैसे संभालेंगे हम? ये मीन्स कि अगर टीचर्स को लगता है कि उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए तो ये उनका हक है कि वो अपनी बात मैनेजमेंट के सामने रखें, लेकिन किसी भी बात को रखने का एक तरीका होता है, उसका एक समय होता है। अगर टीचर्स कहें कि एक ही दिन में मैनेजमेंट उनकी बात का जवाब दे, वो भी ऐसे समय में जब पूरा स्कूल इंस्पेक्शन की तैयारी में लगा है, तो ये तो ठीक बात नहीं है। अरे ऐसे समय में तो टीचर्स को स्कूल के साथ खड़े रहना चाहिए, एकजुट होकर काम करना चाहिए, और ऐसे में ये सब गलत है। हमें टीचर से बात करनी पड़ेगी। आपकी बात बिल्कुल सही है पुष्पा जी। पुष्पा जी, आपको तो पता होगा सब। जी मैम, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, हमें टीचर्स के साथ बात करनी चाहिए। मैंने कुछ टीचर्स से बात की लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। कल इंस्पेक्शन है, वी कैन नॉट अफोर्ड दिस इमरजेंसी। मुझे लगता है हमें मिलकर उन सबसे बात कर लेनी चाहिए। असेंबली हॉल में मिले। जी मैम। ओके। ये अचानक सैलरी बढ़ाने की बात, ऐसा पहले तो स्कूल में हुआ नहीं कभी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये पड़ाव भी मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि मिस्टर कोटक और उनके ये ट्रस्टी साथी अपनी अगली चाल को प्लान कर रहे होंगे। आप सतर्क रहिएगा पुष्पा जी, वो मौका देखकर वार करेंगे। जो सोशल मीडिया अकाउंट मैंने भेजा था उसकी डिटेल मिली। भाई वो अकाउंट आपने भेजा था ना, उसका डिटेल मिल गया। आई विल कॉल यू लेटर। ये देखो @KingOfCool के पिक्स। ये देखो बॉयज एंड गर्ल्स एट पिकनिक, और भी बहुत सारे पिक्स हैं। ये देखो चाय की टपरी पर, और पीछे लिखा हुआ है दिस लैंड बिलोंग्स टू गुप्ता एंड एसोसिएट्स बैंड्रा। और भी काफी सारे पोस्ट हैं, जैसे कि ये कॉलेज में लिया हुआ, फिर ये कुछ पार्टीज के। लेकिन भाई आपने तो क्लाइंट की डिटेल्स मांगी थी, ये सब तो यंगस्टर्स हैं। एक्चुअली मेरे क्लाइंट का बेटा है तो उसकी डिटेल्स चाहिए थी। अच्छा, पर इनमें से मेरे क्लाइंट का बेटा कौन हो सकता है? आई थिंक यही होगा। कौन? ये वाला। इन सारे फोटोज में ये लड़का कॉमन है, हो सकता है ये इसी का हैंडल हो। क्या हुआ भाई? हाँ शायद यही होगा। एनीवे मैं अपने क्लाइंट से पूछ लूंगा। थैंक्स चिरा। एनी टाइम भाई। किंग ऑफ कूल। कॉफी? थैंक्स। मैं कुछ हेल्प करूं? नहीं नहीं, ऑलमोस्ट सब हो गया है। ये देख, ये जो पेमेंट्स किए हैं वो, और ये है हमारी इनकमिंग सोर्सेस। चिराग, मैंने अश्विन भाई के लोन के बारे में सुना। तृप्ति भाभी का लोन टेन्योर आधा हो गया, ईएमआई भी डबल हो गया, फाट लगने वाली अगले महीने से। चिराग, तू कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है क्या? ज्यादा मतलब अपनी सारी सैलरी दे दूंगा, उससे ज्यादा और क्या कर सकता हूँ। नहीं यार, उतना भी काफी नहीं होगा। तुम लोग टेंशन मत लो, अब इस घर की यंगेस्ट अर्निंग मेंबर है ना, मेरा जो 25,000 का चेक है वो मेरा कंट्रीब्यूशन, और 3,000 का पेमेंट आना बचा है तो वो भी है। हैप्पी? क्या बात है राशि, इस घर की यंगेस्ट जिम्मेदार अर्निंग मेंबर बन गई है तू। बड़ी हो गई तू तो। हाँ तो
अब तुम लोग कंट्रीब्यूट करो और मैं नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब जब कमाती हो तो फिर क्यों नहीं, आफ्टर ऑल बात तो इस घर की है, राइट? कल इंस्पेक्शन है, एक दिन में डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर ये प्रॉब्लम कैसे मैनेज करती है वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नमस्ते। आप सब जानते हैं कि कल इंस्पेक्शन है, सभी लोग उसी तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे समय में आपने ये मुद्दा उठाया, अचानक से क्या हो गया? हमारी समझ से बाहर है। पुष्पा जी, हम सब कई सालों से स्कूल से जुड़े हुए, स्कूल के कामों के अलावा घर जाकर हमें दूसरे दिन की भी तैयारी करनी पड़ती है। संडे छुट्टी होती है, लेकिन हम सब टीचर्स को अगले हफ्ते की भी तैयारी करनी पड़ती है। और ऊपर से जब इलेक्शन और इंस्पेक्शन की एक्टिविटीज आ जाती हैं, तो हम टीचर्स का बोझ और ज्यादा बढ़ जाता है। काम बहुत है और सैलरी बहुत कम। नहीं, हम मानते हैं कि हम ऐन मौके पर नाक दबा रहे हैं, लेकिन हम क्या करें? हम अगर ये सब ना करें तो हमारी मांगे कभी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि हमारी बातें कोई नहीं सुनता। देखिए, मैं आपकी बात समझती हूँ और काफी हद तक सहमत भी हूँ। टीचर्स का योगदान तो स्कूल में सबसे ज्यादा होता है। बच्चों का भविष्य गढ़ने में टीचर्स की भूमिका बहुत बड़ी होती है। मींस के टीचर्स के बिना तो स्कूल का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। और आप सभी लोग तो कई सालों से नानावटी स्कूल से जुड़े हुए हैं। नानावटी सर सारे स्टाफ मेंबर्स को अपना परिवार मानते हैं, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं ना? और उनका यही पर्सनल टच नानावटी स्कूल को बाकी सभी स्कूलों से अलग करता है। और रही बात आपकी सैलरी की, तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि कोचिंग क्लासेस और ट्यूशंस के इस दौर में टीचर्स की सैलरी कम ही पड़ती है। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके इस सैलरी वाले मुद्दे पर जरूर विचार किया जाएगा, लेकिन ये कोई छोटा मोटा निर्णय नहीं है। इसके लिए मैनेजमेंट को बहुत कुछ देखना पड़ता है। और कल स्कूल में इंस्पेक्शन है, नानावटी सर की तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसे में कल के कल इतना इंपॉर्टेंट निर्णय लेना हम लोगों के लिए कैसे संभव होगा, आप ही सोचिए। आप लोग स्कूल को यहां तक लेकर आए हैं, तो प्लीज कुछ दिन और रुक जाइए। बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़े ऐसा कुछ मत कीजिएगा। एक बार इंस्पेक्शन हो जाने दीजिए, मैं वादा करती हूँ कि दिवाली के बाद आपकी सैलरी बढ़ाने वाली बात पर मैनेजमेंट गंभीरता से विचार करेगा। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। अगर इंस्पेक्शन ही प्रायोरिटी है तो थोड़ी देर रुक जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। पुष्पा आंटी कितना कन्विंसिंगली अपना आर्ग्यूमेंट रखती हैं। इतनी आसानी से इतने एजुकेटेड लोगों को सब कुछ समझा दिया। नानावटी सर जैसे एक एक्सपीरियंस स्मार्ट और इंटेलिजेंट इंसान ने 11वीं पास को डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी सौंपी है। कुछ तो बात होगी ना पुष्पा जी? सच में यकीन ही नहीं होता है पुष्पा आंटी इतने बड़े स्कूल की डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर है ना? इसलिए तो हम सब पुष्पा इम्पॉसिबल कहते हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, मैं बस आई रही हूँ। अभी के लिए तो मामला टल गया लगता है। इसके आगे भी सब अच्छा ही होगा, और आपने इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया। वेरी गुड।
सैलरी बढ़ाने वाली बात करनी पड़ेगी नानावटी सर से, और इंस्पेक्शन के बाद इस बारे में निर्णय भी लेना पड़ेगा। मैंने खोखला वादा नहीं किया है। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, आप लोग प्लीज इंस्पेक्शन का काम देख लीजिएगा। डोंट वरी, यहाँ पे आई विल हैंडल एवरीथिंग, आप जाइए। थैंक यू। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।